बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है ऋचा और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिन की शुरुआत और मौसम ने करवट ली है। कहते हैं कि जब आप मौसम करवट ले, चाहे वो आज ले या फिर कर ले, अगर वो परिवर्तन सही के लिए है तो वो परिवर्तन बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि मौसम ने करवट ली है, हल्की ठंडक है लेकिन कितना प्यारा लग रहा है, कितना खुशनुमा लग रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा से अनमोल वचन के साथ होती है, तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दर्शकों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आज की हमारी विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि हम महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है एक सशक्त महिला। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वंदना प्रेयसी, ये IAS है, सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार में, और साथ ही ये महिला एवं बाल विकास निगम में भी कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, हम लोग महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, सशक्त महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको आप किस तरीके से देखती हैं और इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? महिला सशक्तिकरण बहुत आगे आए हम लोग, बहुत मतलब कि बिहार राज्य की अगर बात करें तो मेरे दो दशक के सर्विस में मैंने देखा है कि हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और सरकार की कुछ नीतियाँ रहीं, कुछ सामाजिक बदलाव रहे, कुछ जागरूकता आई और सब कुछ मिल के एक ऐसा माहौल दिख रहा है जिसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के का एक मकसद दिखता है लोगों में, तो वो बहुत बड़ा बदलाव देखा है। इस बदलाव के साथ साथ हम लोग कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस देखा जाए तो उसमें हमारा आंकड़ा कहता है कि 50% महिलाएँ डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं, यानी कि घरेलू हिंसा से, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सेक्स रेशियो भी कम हुआ है, तो वो भी उसके तरफ पर चिंता का विषय है। तो महिला सशक्तिकरण एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरे विचार से दो दशक में मैंने जो सर्विस में देखा है कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आया है। एक सशक्तिकरण की जब बात चल रही है तो कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला है वो अपने लिए आवाज़ उठाती है, क्या वो सशक्त है या फिर जो घर में भी काम कर रही है उनके सशक्तिकरण का एक पैरामीटर क्या है? देखिए, सशक्तिकरण का मेरा जो अपना व्यक्तिगत डेफिनेशन है कि आप अपना चॉइस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपका चॉइस होना चाहिए कि आप बाहर जाके काम करना चाहती हैं या आप घर में रह के अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखना चाहती हैं। ये अगर चॉइस महिला के पास आ जाता है देन आप सशक्त हैं, बिकॉज यू हैव गिवन योर सेल्फ अ चॉइस। लेकिन जहाँ आपके ऊपर ये बोला जाता है कि ये मत करो, ऐसे करो, वो मत करो, तब मुझे लगता है कि कहीं उन पे एक सामाजिक रूप से ढलने का बोला जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि एक सशक्त महिला हैज़ अ चॉइस, चाहे वो कुछ भी निर्णय ले, ये निर्णय उसका होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही आपने एक ख्वाब देखा, उसको आपको आगे पूरा करने के रास्ते पर गई। अगर हम बचपन के बारे में बात करें तो बचपन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपसे जानना चाहेंगे, अपने बचपन के बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? बचपन मिक्स्ड होता है और बचपन में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता, बहुत छोटे में तो पता ही नहीं चलता है कुछ, लेकिन जब बड़े होते हैं हम लोग तो फिर रियलिटी समझ में आती है कि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन आप एक लड़का और लड़की के बीच में, बहुत बहुत प्रैक्टिकल भी कहा जा सकता है उसको। लेकिन बचपन तो हमेशा ही खुशनुमा रहता है, पेरेंट्स होते हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, और बचपन जितना लंबा खींच सके हम लोग उतनी अच्छी बात है। बचपन आज भी अगर हम लोग अपना बचपना बनाए रखें तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। मैच्योरिटी तो आ ही जाती है बट बचपना खोना एक बहुत सैड बात हो जाता है। तो आई थिंक बचपन एक एज ग्रुप नहीं है, बचपन एक एटीट्यूड है और उसको बना के रखना चाहिए। ये बात तो है कि अगर आप बचपन को जिस हिसाब से जीते हैं वो आगे वो प्रलक्षित होती है कि आपने एक अच्छी एजुकेशन ली है, एक अच्छी परवरिश ली है, तो आप
आपकी जर्नी क्या रही, आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से लिए, आपने कहाँ पे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की? बिहार में ही पले बड़े हैं, मतलब कि बिहार की बेटी है बिल्कुल, और यहीं पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। आई वेंट टू नोटर डेम एकेडमी जमालपुर, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद मैंने 10th और 12th मम्मी पापा ने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए बेटी के लिए एक अरमान और एस्पिरेशन दिखाते हुए दिल्ली भेजा, तो पढ़ाई में शायद अच्छे रहूँगी, DPS में हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम, तो वहाँ पे आई वेंट देयर, वहाँ से मैंने 12th किया। और उसके बाद आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन्स कॉलेज से किया, और उसके बाद इसकी तैयारी किया, और इसमें माँ बाप के आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से हो गया, बट वो बहुत पुरानी बात हो गई, 20 साल से ऊपर हो गया। और साथ ही अगर आपके दायित्वों के बारे में बात करें तो पिछले 2 दशकों से आप काम कर रही हैं, अपने प्रभार संभाला हुआ है, अभी आप सचिव हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार में, तो पिछले 2 दशक एक बहुत ही लंबा समय है, आपने अलग अलग जगह काम किया, आप कार्यरत थी अलग अलग जगहों पर, तो अपने दायित्वों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा 2 दशक बहुत लंबा समय है, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात थी कि आई हैड क्लियर्ड माय UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, और अच्छा रैंक 16 रैंक आया था, तो लग रहा था कि अपना होम स्टेट मिल जाएगा, और वो मिल भी गया। तो आई गॉट अ चांस कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने प्रदेश की सेवा करूँ, और तो उसका मौका मिला, उसकी बहुत खुशी है मुझे कि यहाँ पे रह के जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है वो आपकी कर्मभूमि भी बन गई, तो इसकी बहुत खुशी है। और बहुत ही जो ये 20 साल का सफ़र है बहुत ही सुखद है, बहुत ही सुखद इसलिए है क्योंकि एक तो पर्सनल ग्रोथ हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन दूसरा लोगों को कितना सर्व करने को मिला, और एक सुरक्षित वातावरण में काम करके कुछ रिजल्ट्स देने का मौका मिला। आई थिंक वो बहुत मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री रहा है। और साथ में ये भी कि आप अलग अलग क्षेत्रों में, हमारी सर्विस ऐसी है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर लेते हैं। शुरू के दिनों में जिला में थे, जिला पदाधिकारी के रूप में, बहुत ही उसमें सभी चीज़ देखने को मिलता है, उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो पॉलिसीज़ का, तो वो था। लेकिन अब जब इस लेवल पर आ गए, जब सेक्रेटरी आप पॉलिसी बनाते हो, तो वो फील्ड एक्सपीरियंसेस काम आता है, और आप पॉलिसी के रूप में एक लार्जर फ्रेमवर्क देते हो, तो उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो आप सोच रहे हो बिहार के लिए उसको साकार किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत लंबा समय दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि अभी अभी की बात है, ये बात बिल्कुल सही है। एक वाक्य हमने सुनी है, अब ये कहाँ तक सच है, कि जब आपकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी तो वो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो चीज़ें कर सकें, तो एक जो एक हवलदार के पोस्ट पर थे उन्होंने आपको इनक्रेज किया था, वो स्टोरी क्या है मैम, वो प्लीज़ बताएं। नहीं, ये मेरी ट्रेनिंग का समय का है, उस समय इलेक्शंस अनाउंस हुआ था, और इलेक्शंस में टुवर्ड्स द शाम में क्या हुआ कि कुछ घटनाएं घट गई, और सभी लोगों ने वहाँ पे सड़क जाम कर दिया, और EVM नहीं पहुँचाने देंगे, बारिश हो रही है, रात का समय है, और इलेक्शन में EVM पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश थी, ट्रेनिंग पीरियड में थी, BDO की ट्रेनिंग में थी, बरहरा ब्लॉक में आरा में, और सडनली आई वॉज सिटिंग, और एक बहुत पुराने SHO थे, वो बहुत परिपक्व, तो मैंने सोचा अब क्या करें हम लोग, सड़क जाम हो चुका है, लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए हैं, और माहौल इतना गर्म हो गया है, और डिस्ट्रिक्ट से फोर्स आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन का EVM जमा हो रहा था। और उस समय उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जो आदेश मैडम। और उस समय कहते हैं ना इंग्लिश में एक फ्रेज़ है एपिफेनिक मोमेंट, उस समय मुझे रियलाइज़ किया कि आप कुर्सी पर बैठे हो तो आप निर्णय आपको लेना है और आपको ही करना है। और फिर मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ से मैंने EVMs को भी स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दिया, और साथ में लोगों को भी शांत कर दिया। तो ये पहला अचीवमेंट था जब लगा कि निर्णय लेना है, सशक्त निर्णय लेना है, सूझबूझ के निर्णय लेना है, और काम को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। बिल्कुल जी। आपके आसपास वैसे लोग होते हैं जो बूस्ट करने के लिए होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आपको कोई आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको कभी कभी आपकी ही जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, आदमी कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ये बहुत सीखने वाली भी बात है। क्यों मुस्कान? बिल्कुल, और साथ ही मैम अगर हम लोग बात करें
हम देखते हैं अक्सर, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं कि अगर कोई पुरुष की कामयाब होता है तो कहते हैं कि इसके पीछे महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर कोई महिला कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, कहीं ना कहीं उनका एक सपोर्ट रहता है। एक महिला को इंडिपेंडेंट बनाने में कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि माँ बाप का कितना सपोर्ट था, किस तरीके से उन्होंने आपको मदद की, क्योंकि आज आप कामयाब है तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होगा, साथ ही शादी के बाद हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि एक महिला के कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी है पूरे समाज को साथ आने के लिए। ये जो पेरेंट्स की बात की आपने और आपने हस्बैंड की बात की, ये सब भी उसी समाज का अंग है। और तो मुझे लगता है कि हम लोग सभी को साथ आना पड़ेगा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ एक परिवार का ही की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे हम लोग सभी की जिम्मेदारी है। और दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक छोटा एक परिवार करेगा तो एक महिला आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर पूरा समाज मिलकर ये संकल्प लेगा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो पूरा बहुत सारी लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक मेरा बात है, ऑफ़ कोर्स उस समय जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो इस तरह का माहौल नहीं था, थोड़ा सा और संकोच था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक दूरदर्शिता दिखाई, एक मेरी आकांक्षाओं को उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी। बहुत कम उम्र में दिल्ली भेज दिया और पढ़ने का पूरा मौका दिया। तो हाँ, लेकिन आज उसके बाद पढ़ाई एक क्षेत्र होता है, उसके बाद काम करना होता है तो उसमें एक पूरे परिवार का सहायता होता है। तो ना सिर्फ माँ बाप बल्कि हस्बैंड और जो आपके इन-लॉज होते हैं, सब लोग आते हैं ताकि एक जो महिला है वो अपने क्षेत्र में ठीक से काम कर सके। जी बिल्कुल, सबके सहयोग से मतलब ये ज़रूरी है कि एक सबका सहयोग हो अगर आप एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं। आज भी अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समृद्ध हैं, सबल हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो उनको रोक देती है, वो एक चीज़ क्या है ऐसी, वो क्यों एक ऐसा स्टेप नहीं ले पाती, उनको वो क्या ऐसा सोचती है कि उनको लगता है कि नहीं पहले हम घर ही देख लें। नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो शायद मेरे से ज़्यादा केपेबल है और लाइफ में अगर उन्होंने प्रोफेशनली काम नहीं छोड़ा होता तो शायद बहुत आगे जाते, लेकिन दे चोज टू गिव अप एवरीथिंग फॉर देयर फैमिली। बहुत लोगों ने रिग्रेट भी किया है कि क्यों छोड़ दिया हम लोगों ने, और कुछ लोग कहते हैं कि ये हमने बहुत सैक्रिफाइस फैमिली के लिए किया। लेकिन मैंने ये भी बहुत सुना है कि बहुत परिवार कहते हैं पैसे की क्या ज़रूरत है, हम लोग को हमारे पास तो सब कुछ है कि हाँ। तो ये समझना होगा हम लोगों को कि हम कि महिला जब आगे आती है काम करने के लिए तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं आती है, उनका एम्बिशन होता है, उनका एस्पिरेशन होता है और उनमें क्षमता है और सोसाइटी को ज़रूरत है, समाज को, इकोनॉमी को ज़रूरत है कि महिलाएं काम करें। क्योंकि एक अगर आप आधी आबादी को घर में बैठा देंगे तो उसका इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो ये समझना होगा कि महिलाएं अगर छोड़ रही हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर चॉइस है तो आप ठीक है, लेकिन अगर चॉइस कंपल्शन में बदल रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास सब कुछ है, आप घर में बैठ के बच्चे देखो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और उस समय हम लोगों को सोचना होगा कि अगर हम लोग महिलाओं को उसके कैपेसिटीज़ को, उसके कैपेबिलिटीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो एज अ सोसाइटी हम लोग को पीछे हो जाएंगे, एज अ इकोनॉमी हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप और ये सोचिए कि एक उसको पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितने रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, कितना इकोनॉमी में पैसा लगाया, उसमें कितने इमोशंस हुए हैं, कितना उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आया होगा, और सब कुछ छोड़ के आप कहते हैं कि नहीं अब हम बच्चे देखेंगे। और महिलाओं को ये भी कन्विंस कर दिया जाता है कि आप जो कर रहे हो बहुत बड़ा काम कर रहे हो सब नहीं, मतलब कि अपने आप को अगर आप नहीं देखोगे, अपने एस्पिरेशंस, अपने सपनों को आप नहीं साकार करोगे तो मेरे को लगता है कि आप में कहीं ना कहीं एक कुंठा रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि परिवार को साथ आना चाहिए और एक सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए जिससे कि महिला आगे आ सके, और क्योंकि वो आगे आएगी तो घर भी संभाल लेगी। बिल्कुल, आई एम वेरी श्योर वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग।
बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही की है। और हम देखते हैं कि अगर एक महिला इंडिपेंडेंट होती है तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को काफ़ी खूबसूरती के साथ पेश कर पाती है। एक उनका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है समाज में, एक जिम्मेदारी, और जैसा कि आपने बताया कि एक महिला है कि वो मल्टीटास्किंग होती है, घर परिवार भी देखती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही अच्छे से रखती हैं, और किसी संकोच के बिना। और भी चीज़ों पे आपसे बातचीत करेंगे, और भी चीज़ आपसे जानेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पे रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बयान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वंदना प्रेयसी। आपको बता दें कि सचिव है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार में। मैम पुनः स्वागत है आपका। मैम हम लोग महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं, हम लोग महिलाओं पे बात कर रहे हैं, उनके दायित्व के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम महिला के बारे में बातचीत करें तो देखते हैं कि कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला कहीं ना कहीं अपने घर का नींव होती है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो हमारे राज्य और हमारे राज्य और साथ ही साथ पूरे मतलब भारत को एक ऊँचे स्तर पर ले जाने में महिलाओं का कितना बड़ा आप योगदान समझती हैं? देखिए, आपने कहा कि एक पढ़ी लिखी महिला नींव होती है। महिला पढ़ी लिखी नहीं भी हो तभी वो परिवार की नींव है, क्योंकि वो तो है ही आधार, जिसके चारों तरफ सब कुछ वो एपिसेंटर है अपने परिवार की, और फैमिली में उसका कंट्रीब्यूशन तो सब पहचानते हैं। लेकिन हमको लगता है कि देश को आगे बढ़ाने में महिला का बहुत योगदान है। अगर हम लोग यूजुअली एग्जांपल्स देते हैं कि इसने, जैसे अगर हम आज़ादी की बात करें तो हम रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, ये सब की बातें करते हैं। बट अगर जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया तो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया, तो उस समय महिलाएं आ गई सड़क पे। वो महिलाओं को शायद कोई चेहरे से नहीं पहचानता है, नाम से नहीं पहचानता है, लेकिन उन्होंने अब फॉरेन गुड्स दे छोड़ दिया, अपना जेवर दे दिया, अपने जो फॉरेन के कपड़े थे वो दे दिया, एंड दे वेर ऑन द स्ट्रीट्स वेयरिंग खादी। तो ये महिलाओं का कंट्रीब्यूशन एक होता है कि सिंबॉलिज्म महिलाओं का, कि ये बहुत सशक्त है, ये बहुत सशक्त है, लेकिन एक एक होता है जब महिलाएं रहती हैं और हमेशा रहती है, बैकग्राउंड में रहती हैं, फोरफ्रंट में रहती हैं, शायद उनका नाम और चेहरा बहुत नहीं दिखता है, बट वी आर ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज, महिलाएँ हमेशा आगे आके हर चीज़ पर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। बिल्कुल, एक समृद्ध महिला हमेशा से महिला समृद्ध ही रही हैं, चाहे वो आप पहले की बात करें या फिर अभी की बात करें, लेकिन वही अपफ्रंट होने की ज़रूरत होती है या फिर उनको लाने की ज़रूरत होती है। आपने एक अच्छा खासा दशक दिया है, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक पर्सनल लेवल पे कि आपको लगा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना है, चाहे वो घर से बाहर निकल के हो, घर में तो बहुत सारे बहुत ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम अपने वो कंफर्ट जोन में रखते हैं, लेकिन घर से बाहर कभी कभी होता है कि थोड़ा चैलेंज रहता है हमारे लिए, तो वो थोड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? मेरे को लगता है कि चुनौती तो नहीं कह, चुनौती को एक मौका में बदला मैंने। जैसे कि मुझे याद है जब हम लोग शुरू में जॉब में आए थे तो सिंपल सी चीज़ थी, हम लोग को फील्ड्स SDO थे, फील्ड में जाना है, करना है, और बाथरूम्स नहीं होते थे उस समय, तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन आज देखिए, आज वही चीज़ कितना बदल गया, शौचालय को लेके, घर घर शौचालय है, पब्लिक टॉयलेट्स है, तो उसको एक कैसे एक चुनौती को कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला गया, तो वो है। बट पर्सनली चुनौती तो ऐसा कुछ नहीं था जिसको सरमाउंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत बहुत सम्मान मिला है बिहार के लोगों से, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया है मुझे, और मुझे लगता है कि वो चुनौती बस यही है कि लोगों को और क्या दे सके, बिकॉज़ अभी भी इतना कुछ करना है, महिलाओं के लिए करना है, अभी मेरा वन पर्यावरण का है विभाग, उसमें करना है, कैसे लोगों को साथ मिलकर, क्योंकि ये दोनों ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिर्फ सरकार काम नहीं करती, इसमें लोगों को भी आना है, तो चुनौती यही है कि कैसे लोगों को लेकर एक जो अभी बहुत काम बचे हुए हैं बिहार के लिए करने के लिए, वो कैसे पूरा किया जाए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ज़मीन पे एक महिला ही है जो कहीं ना कहीं हमारे जहान को एक खूबसूरत बनाती है। अगर हम महिलाओं के जिम्मेदारियों के बारे में बातचीत करें तो कहीं ना कहीं वो घर बार भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, और बिना किसी संकोच के बहुत ही खूबसूरती के साथ सारी चीज़ों को संभालती हैं। तो अब महिलाओं के मूल्यों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए कुछ तो महिलाओं के बोले बहुत सोसाइटी निर्णय कर देती है कि आपका ये प्राथमिकता होनी चाहिए, ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। बट आई थिंक वीमेन है वो बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट कर लेती हैं कि उनको पता है कि उनको अगर वो घर में है तो उनकी जिम्मेदारी है। तो वो होता है ना, जैसे कहते हैं कि मेरे घर में लोगों को ये नहीं लगता है कि हम इतने बड़े ऑफिसर हैं और इतनी जिम्मेदारी संभाले हुए, बिकॉज आई हैव टू बी एफर्टलेस विद माई चिल्ड्रेन, विद माई फैमिली। और वहाँ पे भी और ऑफिस में मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना है कि मेरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है घर में कि हम मेरे दो छोटे बच्चे हैं कि हम अपने काम को 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक फाइन बैलेंस करके चलना है कि ऑफिसर का हैट पहने हो तो आप उस तरीके से हो, एक माँ का हैट पहने हो तो आप इस तरह से हो, और वो फाइन बैलेंस मुझे लगता है ये जो करने की क्षमता है, बैलेंस करने की क्षमता, ये हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। बिल्कुल, और ये बात सही भी है कि आपने अभी कहा कि एक जब आप बाहर रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, तो आपको हर एक पद के लिए एक बहुत एफर्टलेस वो दिखना होता है, तो आप खुद के लिए कब वक्त निकालती हैं? क्योंकि इंसान का एक वक्त ऐसा होता है, मतलब पूरे 24 घंटे में होता है कि वो अपने लिए हो, तो वो किस तरीके से उसको आप करते हैं? वो मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर महिला को समय, कुछ समय निकाल के अपने लिए करना होता है। और ये मैं आपके माध्यम से सभी को एडवाइस करूँगी कि हम लोग खाना खाएंगे तो सबको खिला के खाएंगे, अगर हम मतलब सारा काम करके सोने जाएंगे, हम सबको सेटल करा देते हैं, बट समय निकालिए अपने लिए, सोचने के लिए। और मेरा ये समय अर्ली मॉर्निंग का है कि जब सब लोग परिवार में सोते रहते हैं, आई वेक अप, आई गिव टाइम टू माई सेल्फ, आई डू माई एक्सरसाइजेस, आई डू माई योगा, और उसके बाद फिर जब दुनिया मेरे घर की शुरू होती है, तब तक मैंने अपने लिए करीब 1-1.5 घंटा निकाल लिया है, और उसमें मैंने अपने लिए सब कुछ किया, मैंने सोचा है, मैंने लिखा है, मैंने एक्सरसाइज किया है, सो एवरीथिंग जिससे आई फील स्ट्रॉन्गर और मेरे को दिन भर चलने की वो ऊर्जा मिल जाती है, वो मैं सुबह कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार अगर परिवार जग गया और बच्चे जग गए तो उसके बाद आपका समय आपका नहीं रहता है। बिल्कुल, और साथ ही महिलाओं के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो सभी के लिए शिक्षा, मतलब शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है कहीं ना कहीं आजकल अगर हम देखें तो। आप क्या मानते हैं, अगर हर महिलाओं को शिक्षित होना कितना ज़रूरी मानती हैं आज? वो एब्सोल्युटली, मतलब शिक्षा तो नींव है, और अभी एक रिसर्च भी बताया है कि अगर कोई लड़की 1 से लेकर 10 क्लास तक स्कूल चली गई तो उसका नेक्स्ट 10 ईयर्स जो होगा जिंदगी का वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, वो एक सशक्त महिला के रूप में उभरेगी। तो शिक्षा तो ऐसा है जो नींव है, आधार है, एक खुला जीवन जीने का, एक इन्फॉर्म्ड जीवन जीने का, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बदलाव, मैंने शुरू में जब कहा कि बहुत बदलाव है कि किस तरह से पेरेंट्स भेज रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेज रहे हैं, स्कूल जाना ज़रूरी है, और सरकार के द्वारा भी बहुत कुछ किया गया है, साइकिल दिया गया, कपड़े दिए गए, किताब दिए गए, छात्रवृत्ति दी गई कि भेजो, लड़कियों को भेजो, बाहर भेजो, एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है अगर शिक्षा पे अगर 10 साल लड़कियाँ पढ़ ली 1 क्लास से 10 क्लास तक, उनका आने वाला कई दशक बहुत ही एम्पावर्ड बीतेगा, बहुत ही सशक्त हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई कि वो जैसा मैंने बताया कि सभी के लिए, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, लड़के हो, सिर्फ महिलाओं की मैं बात नहीं कर, सभी के लिए शिक्षित होना बेहद ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे देश को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए। बिल्कुल, इसी मुद्दे पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। मुस्कान हो चला है छोटे से ब्रेक का वक्त, तो मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वंदना प्रेयसी। आपको बता दें कि ये सचिव हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार में। मैम, काफ़ी चीज़ों पे हमने बातचीत की, आपके बारे में जाना, हम लोग ने वुमेंस वीक मना रहे, हम लोग ने इस पर भी बातचीत की। अगर हम आपके विभाग के बारे में बातचीत करें, अगर हम इसके बारे में बात करें कि आज जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा बताया कि 3 मार्च को हम वन्य जीव दिवस मनाते हैं, अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों का संरक्षण और सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़रूरी मानते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कुछ बताना चाहेंगे आप?
बिल्कुल, ये एक आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग सब लोग मनाते हैं कि जैसे कहा कि वन्य जीव को किस तरह से संरक्षित किया जाए। ये बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सभी देयर इज अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर और सभी को कंजर्व करना हमारा दायित्व है और बिहार सरकार और हमारा विभाग बहुत इस क्षेत्र में काम कर रहा है। कुछ हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि VTR में अभी टाइगर का सेंसस हुआ और उसमें ये बात उभर के आई कि टाइगर की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, यानी कि हमारा विभाग उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत सक्सेसफुल रहा है। दूसरा गैंजेटिक डॉल्फिन है हमारा, जो गंगा में जो डॉल्फिन मिलते हैं ये बाकी मरीन डॉल्फिन से अलग होते हैं और ये एक समय बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा था, लेकिन आज के दिन उसको भी संरक्षण करने में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ये आते हैं बर्ड्स हमारे साइबेरिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से 5,000 किलोमीटर चल के आते हैं, पूरा सेंट्रल एशिया क्रॉस करके आते हैं लोग, और यहाँ आते थे तो उनको मार दिया जाता था या उनके उनके अंडे को तोड़ दिया जाता था, लेकिन उसमें भी एक मैसिव अभियान चला और आज के दिन माइग्रेटरी बर्ड्स को लेके कैंपेन्स चले हैं जिसमें हम लोगों ने उसको संरक्षित करने में लोगों की भागीदारी की है। तो विभाग के द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम लोग एक सेंसिटिव इसमें आ जाएँ, हम लोग सेंसिटाइज हो जाए कि ये जो पर्यावरण है, ये जो वन है, ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आपने शुरू में कहा कि हम आज हिस्ट्री का है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो हमारे पास है वो आज के दिन में वो है वन है, क्योंकि वन से ही जीवन है। जो एक जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें हमको ये वन चाहिए, हमको वृक्षारोपण करना है। तो ये एक जो विभाग, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव दिस बिकॉज इसमें एक कंट्रीब्यूशन करने का बहुत बड़ा है हमारा योगदान है, और सिर्फ विभाग का नहीं बाकी सभी लोगों का कि किस तरह से हम आगे आए और वन का पर्यावरण को और जलवायु परिवर्तन को रोकने में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई कि हर आमजन की भी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी ये भागीदारी होनी चाहिए इसके संरक्षण में, हमारे पर्यावरण को के बचाव में। क्यों रिचा, बिल्कुल सही बात है, और जिस तरीके से आप का और आपका विभाग काम कर रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनता के मन में रहता है कि ये डिपार्टमेंटल वर्क है, इसको डिपार्टमेंट देखेगी या फिर जो भी है, तो एक जनता की कितनी भागीदारी होनी चाहिए पर्यावरण में, क्योंकि वो बराबर का हिस्सेदारी है उसमें, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक आम जनता क्या सोचे, वो क्या ऐसा करे कि जिससे पर्यावरण सही रहे और जानवर भी। बिल्कुल, ये जैसा मैंने कहा मुझे दो काम मिला हुआ, एक महिलाओं का, एक पर्यावरण का, और दोनों काम एक डिपार्टमेंटल काम बन के नहीं रुक सकता है, ये एक अभियान है और इसमें जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अब है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, बिल्कुल जिसको जहाँ मौका मिले, हमारी गौरैया विलुप्त हो रही है, उस गौरैया को हमारे स्टेट बर्ड है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग गर्मी में पानी का लगा दें तो हर लोग कर सकता है, प्रदूषण नहीं फैलाए। अगर आप देखेंगे कि प्लास्टिक्स का यूज़ कम कर दें, अगर हम अगर एनर्जी कंजर्व करें वो क्लाइमेट चेंज में मदद करेगा, अगर हम छोटे डिस्टेंसेस साइकिल से कवर कर लें, पैदल कवर कर लें, जैसे कि मेरे विभाग में हम लोगों ने किया है कि एक दिन हफ्ता में हम लोग नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल से ही ऑफिस आ रहे हैं, तो एक कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया है कि हर फ्राइडे को अब हम लोग डीजल या पेट्रोल की गाड़ी से नहीं आएंगे, या पैदल आएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे। तो जो जहाँ है वो वहाँ एक कदम उठा सकता है वो, और सबके लिए है ये। अगर आप प्रदूषण का देख रहे हैं कहीं और हो रहा है तो आप रोकिए, और बच्चों में तो मुझे लगता है ये बहुत सजगता आई है और दैट इज़ अ वेरी वेरी हार्टनिंग जब हम बच्चों को देखते हैं, उनको उनको पर्यावरण के लिए कितनी समझदारी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को लगता है हमारा भविष्य बहुत सिक्योर है पर्यावरण के बारे में, क्योंकि ये जनरेशन बहुत सेंसिटिव जनरेशन है एनवायरनमेंट और इस क्लाइमेट चेंज को लेकर। बिल्कुल, और वो कहते हैं भविष्य सही हाथों में है, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव भी हैं और काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, है ना। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो आज देखते हैं कि कहीं ना कहीं जल हो, वायु हो, सब चीज़ कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है, और इसका बहुत से कारण है। अगर हम
वायु की ही बात करें तो, लेकिन वायु प्रदूषित हो रहा है लेकिन इसके बचाव के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर हम AQI की ही बात करें तो आज हम देखते हैं जगह जगह पे हम AQI बोर्ड देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप पहले हमें हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि AQI होता क्या है विस्तार। बेसिकली प्रदूषक का लेवल बताता है वो, और ये बहुत हम लोग बहुत संवेदनशील हैं इसको लेके। और ये अभी आप देखते होंगे पूरा छिड़काव हो रहा है, या जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसको कवर करके कराने का है। ओपन में आप अगर आप वेस्ट का बर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे विभाग के द्वारा वो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। और इस बार ये बताने के लिए हमको खुशी है कि इस बार हम लोगों ने पूरे सीज़न में, पोल्यूटिंग सीज़न जो विंटर्स का माना जाता है, उसमें हम लोगों ने 400 क्रॉस नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, हमने कोशिश किया है कि इसको 400 से नीचे कम करने का। बिल्कुल, और बहुत सारी बातें हैं जो करनी भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से विराम का, मिलते हैं विराम के बाद। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिसे बहुत कुछ सीखने को मिली ही और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिली है। हमारे साथ मौजूद है श्रीमती वंदना प्रियसी मैम, और इनसे पर्यावरण के बारे में हमने पूछा, महिलाओं के बारे में पूछा, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें। मैम पुनः स्वागत है आपका, और हम अभी वन पर्यावरण की बात कर रहे थे तो उसमें जो भागीदारी है आम जनता की, वो एक लायबिलिटी एक ऐसी की जो एक नॉर्मल जनता को उठानी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए जो एक आसानी से वो उठा सके कि हाँ चलो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण को लेके, और हम काम करते भी इसको कर सकते हैं। एक लाइफ है, लाइफ करके एक निकला है, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लाइफ करके जो है उसमें आप प्रतिदिन अपने रोज़मर्रा के काम में पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं। पानी का वेस्ट नहीं करना, बत्ती ऑफ कर देना, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, आप जैसे मैंने कहा कि पैदल चलना, साइकिल यूज़ करना। तो एवरी डे आपके जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है जिसमें आप काम करते हो उसमें आप कुछ बदलाव लाइए। जैसे कि आप जैसे प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, हम बैग्स यूज़ करेंगे, यू नो जूट बैग्स फॉर एग्जांपल। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो एवरी डे आप उसको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल काम कर सकते हो। और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट एवरी डे यू डू समथिंग। ये नहीं कि आप जाके 100 पौधे ही लगा दीजिए, बट आप कुछ चीज़ को अवॉइड कीजिए, और खुद अवॉइड कीजिए और अपने घर परिवार में अवॉइड कीजिए, तो हमको लगता है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें लगता है कि जो जनता, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, छोटा बदलाव ही एक बड़ा बदलाव का कारण बनता है। तो कृपया करके जब घर से निकले तो बत्ती ऑफ करके ज़रूर जाएं। ये एक छोटा सा बदलाव है, आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत बड़े परिवर्तन का आप एक हिस्सा बन सकते हैं। क्यों मुस्कान? बिल्कुल, और वो कहते हैं ना परिवर्तन ही विकास की सीढ़ी है, या फिर परिवर्तन ही विकास का एक नाम है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंटरनेशनल महिला मतलब महिला दिवस वीक मना रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला। अगर हम महिलाओं के बारे में ही बात करें तो महिला आज पुरुष से कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के चल रही है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस विषय में, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस बार जब 8 मार्च होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, और आप लोग भी सप्ताह मना रहे हैं, तो इसका इस बार थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। बिल्कुल, इंस्पायर इंक्लूजन का अर्थ है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को इंक्लूड करके आगे बढ़ना है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम हो, आप महिलाओं को इंक्लूड करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इंस्पायर कीजिए इंक्लूजन। तो मुझे लगता है सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा है कि उनको लेते हुए ही विकास हो सकता है। जैसे कि और कभी कभी इसके लिए हमें कुछ एफर्मेटिव एक्शंस करने होते हैं। जैसे कि मैंने खुद देखा है कि जब हम लोग सर्विस में आए थे उस समय सरकार ने 50% रिजर्वेशन किया था पंचायती राज संस्थानों में। तो उस समय जो महिलाएं आती थी मुखिया बन के या जिला परिषद में आती थी, और आज जो महिलाएं आती हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप देखेंगे तो जब लड़कियों को साइकिल दी गई सरकार के द्वारा, तो एक सुबह सुबह एक अलग ही माहौल दिखता था कि लड़कियां साइकिल चला के जा रही हैं, और वो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। और आज एक पैराडाइम शिफ्ट हम ये देखते हैं कि लड़कियां जो फोर्सेस में आ गई हैं, आप सुबह उठिएगा देखिएगा कि हर महिलाएं कमान लेके अपना निकल रही है, यूनिफॉर्म में है,
और निकल रही है, वो एक जो विजुअल चेंज है ना, वो बहुत बड़ा चेंज है कि यूनिफॉर्म में 35% रिजर्वेशन महिलाओं को जब दिया गया और सरकारी नौकरियों में, और उनका प्रेजेंस कितना फैल गया। आई थिंक ये विजुअली ना बहुत इंस्पायरिंग है। जो छोटी लड़कियाँ हैं, अभी गाँव में, मैं इसके पहले खेल में थी, आई वॉज हैंडलिंग स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो उस समय लोगों का था कि हमें मैदान चाहिए। लड़कियां आके कहे तो मैं क्या क्या करोगे, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, हमें दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है, हमें पुलिस में जाना है। तो दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वो विजुअली दिखता है जब लड़कियां, तो एक लड़की सक्सेसफुल जहां होती है उसके पीछे एक कतार लग जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो बदलाव है, एक लड़की दूसरे को इंस्पायर करके, एक महिला दूसरी महिलाओं को मदद करके, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो एक समुद्र की लहर जैसा होता है वो, एक आते जाते हैं और चलते चलते आगे। इट्स वेरी, जिस तरह से एक सक्सेसफुल महिला दूसरों को इंस्पायर करती है, लड़कियों को इंस्पायर करती है, तो मुझे लगता है कि एक हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो यहाँ पे है ना, हमारे पीछे बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं आ सके इस पोजीशन पे, तो हमें इस पोजीशन में रहते हुए 100% देना है और इंस्पायर करते चलना है लोग, लड़कियों को, लोगों को, परिवार को। साथ ही जानते हैं कि 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन साथ ही हम लोग महिला दिवस सप्ताह भी मना रहे हैं, पूरे एक वीक हम लोग मनाते हैं। तो ये जो वीक हम लोग मनाते हैं महिला दिवस, इस दिन को मनाने का ये जो वीक है वो क्या उद्देश्य है? देखिए, ये इसलिए मनाया जा रहा है, जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग खास तरह से लोगों के एक अभियान चला के लोगों को संवेदनशील बनाते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि साल भर तो कार्यक्रम करते हैं हम लोग, लेकिन इस पर बिल्कुल फोकस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि लड़कियों को और महिलाओं को कैसे हम लोग उनको मेन स्ट्रीमिंग कर सकें, कैसे हम लोग उनको मुख्य धारा में जोड़े, कैसे उनको सशक्त कर सकें, और कैसे उनके जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको हम लोग ख़त्म नहीं होने दें। तो ये हमारा बिल्कुल होता है इस हफ्ता, हम लोग कोशिश करते हैं, और जो महिलाएं अच्छा की हैं उनको हम रिवॉर्ड भी करते हैं, अचीवर्स को हम लोग अवॉर्ड करते हैं। तो ये एक फोकस्ड अप्रोच इज़ एक्चुअली एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड, सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन फॉर वुमेन, महिलाओं को महिलाओं से जोड़ने का काम करता है, तो ये एक हमारा फेस्टिवल ही है। बिल्कुल, ये मतलब आप इतना जो काम करते हैं तो ये अपने आप को एक पैम्पर करने का भी है, और आपने जो इतनी उपलब्धि पाई है, आपको देख के कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ये उसका देन है। जाते जाते बस एक सवाल कि आज भी बहुत सारी महिलाएं कुछ सोच के अपना पैर रोक लेती हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिली है, उनको बहुत सारे काम करने हैं, तो वो अगर अपने लिए कदम उठाए वो गलत नहीं है, अगर कुछ महिलाएं ऐसा सोचती है तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा महिलाएं सोच रही हैं तो मुझे उनसे नहीं, उनके परिवार से बात करनी है कि, और हम आपको यही कहेंगे कि एक महिला को आगे बढ़ने में परिवार का योगदान है और उनके साथ रह रहे पुरुषों का योगदान है, बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सिर्फ अपने महिला को पता है कि वो सशक्त है, वो संबल है और वो आगे बढ़ सकती है। ज़रूरत है कि कदम को बढ़ाने के लिए जो हिम्मत, जो आप बात कर रही है, वो हिम्मत परिवार देता है, और मुझे उम्मीद है कि इस 8 मार्च को हम लोग सब यही सोचेंगे कि महिलाओं को घर में रखना बहुत आसान है, उसे घरेलू काम कराना बहुत आसान है, ये लेकिन असली जो बड़ा दिल दिखाने वाली बात है वो है कि लेट हर चूज़ कि अगर वो बाहर काम करना चाहती है तो हम वो माहौल देंगे, और अगर घर में रहना चाहती है तो हम वो माहौल देंगे, और घर में है तो हम उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं कर रहे हैं, उन इस दहेज की बात नहीं कर रहे हैं हम उनसे, और अगर वो बाहर जा रही है तो उनको एक सुरक्षित माहौल देंगे और उनको कहेंगे कि आप जाओ, घर हम लोग संभाल लेंगे। और साथ ही मैम, वक्त हो चला है, अब हमें, हमारे पास वक्त हो चला है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि डोंट एम की छोटी मोटी चीज़ों के लिए, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखिए, क्योंकि जब हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं तो इस एक लेवल पे बहुत महिलाएं देखती हैं, बट जैसे हम लोग हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं तो बहुत कम महिलाएं हो जाती हैं। तो मेरा है कि आप लोग बहुत ऊंचा सपना देखिए, बहुत ऊंची उड़ान भरिए, और मेरा अपील होगा उनके परिवार से और ख़ासकर उनके परिवार के पुरुषों से कि महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए,
और उनको आगे बढ़ने में, सपनों को साकार करने में मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतनी अच्छी बातें करने के लिए और हमारे शो को इतना इन्हेंस करने के लिए और हमारे शो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। नोट कीजिए हमारा पता, है निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8001। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर DDK पटना @gmail.com।